गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, आई एम रिद्धिमा मिस योर एसएसटी टीचर। और आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर 2 का नेम है द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल। इस चैप्टर में हम लोग हिमालय माउंटेन्स का लोकेशन देखेंगे, जो स्टेट्स यहाँ पर आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसा क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करता है, कैसी लैंग्वेज है यहाँ के लोगों की, कैसे ड्रेस है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माउंटेन्स क्या होता है। माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज एरिया ऑफ लैंड दैट हैव राइजन हाई अबव द सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन्स लैंड का वो पार्ट है, लैंड का वो एरिया है जो नॉर्मल एरिया से, नॉर्मल प्लेन एरिया से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा जो होता है लैंड का उसको हम माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और हाई, जितना टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज इन हाइट, देयरफॉर माउंटेनियस रीजन हैव कूल क्लाइमेट। वेरी हाई माउंटेन्स हैव पॉइंटेड पीक कवर विद स्नो। जितने और ये तो जानते हैं कि जितना ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे, टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा कम होते जाएगा। टेम्परेचर जो है जितना ज़्यादा आप हाइट पे जाओगे, ऊंचाई पे, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होते जाता है, जिस कारण से जो है माउंटेन्स वगैरह का क्लाइमेट जो है इधर वहाँ का हमेशा ठंडा होता है, हमेशा कूल क्लाइमेट होता है माउंटेन का। बहुत ज़्यादा जो हाई माउंटेन होंगे, मतलब जिस माउंटेन की पीक्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी, वो हमेशा पीक्स जो उनकी स्नो से पूरी तरीके से बर्फ से कवर्ड होती हैं, बर्फ से ढकी हुई होती है। तो माउंटेन मतलब लैंड का वो एरिया जो नॉर्मल एरिया से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग हिमालयस माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। नोट्स देख लीजिए। द हिमालयस आर द लॉन्गेस्ट एंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये तो हम जानते हैं कि हिमालय जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब पहले भी बता चुके हैं, मतलब एक साथ इसमें बहुत सारे माउंटेन्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसमें हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स आपके लोकेटेड है। हिमालय जो है हमारे इंडिया का नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, नॉर्दर्न बाउंड्री वॉल बनाता है। ये पूरा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हिमालय माउंटेन पूरा फैला हुआ है। पिक्चर में भी देख लीजिए, जैसे यहाँ से इसका स्टार्टिंग हो जाता है जम्मू कश्मीर से और ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा हिमालय माउंटेन का रेंज फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से जो एरिया स्टार्ट होता है वो अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा माउंटेनियस एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया आप कह सकते हैं, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट द हिमालयन माउंटेन आर नॉट वेरी हाई एंड आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न हिल। नॉर्थ ईस्ट साइड में हिमालयन माउंटेन्स का हाइट जो है उतना ज़्यादा हाई नहीं होता, जिस कारण से इनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे माउंटेन्स लोकेटेड है, इनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो हिमालय पड़ते हैं उनका जो है हाइट बहुत ज़्यादा ऊँचे वो नहीं होते, इसलिए उनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हिमालय क्या, हिमालय जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये हमारे कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है और ये पूरा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से, इसका स्टार्टिंग होता है जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ से इसका स्टार्टिंग होता है और अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा माउंटेन, हिमालय माउंटेन का रेंज फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में इसको हिमालयन माउंटेन का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऊँचे ये नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स उधर साइड कहा जाता है। हिमालय माउंटेन को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया जाता है, ग्रेटर हिमालय जिसको कि हिमाद्री भी कहा जाता है, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, लोअर हिमालय जिसको कि शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्नो कवर्ड माउंटेन जो है ग्रेटर हिमालयाज़ में ही आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ में जो माउंटेन्स होते हैं उनकी पीक्स जो है पूरे ईयर जो है स्नो से कवर्ड होती है और इनसे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी बहते हैं, ग्लेशियर से बहुत सारे फ्लो करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। The greater Himalayas are called Himadri to the northernmost and the highest range of the Himalayas, having average height of 6,000 meter. It has many snow-covered peaks such as Mount Everest, Kanchenjunga, Nanda Devi, and Nanga Parbat.
ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, जिसको कि हिमाद्री भी कहा जाता है, इसका जो एवरेज हाइट है यहाँ के माउंटेन्स का, उसका एवरेज हाइट जो है 6,000 मीटर इनका एवरेज हाइट है। यहाँ पे बहुत सारे स्नो कवर्ड पीक है, सिंगल माउंटेन अगर होता है तो उसको पीक बोलेंगे, अगर एक साथ दो बहुत सारे माउंटेन्स अटैच है तो उनको रेंज बोलते हैं। तो हमारा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सारा माउंटेन्स जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़ में ही लोकेटेड है, और ये पूरे साल जो है ये सारे माउंटेन्स का पीक जो है स्नो से पूरी तरीके से कवर्ड होता है। और यहाँ का टेम्परेचर भी जो है बहुत ज़्यादा लो होता है। स्टार्टिंग में बताया कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है लो होते जाता है। ग्रेटर हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी फ्लो करते हैं, ठीक है। ग्लेशियर किसको कहते हैं, आइस का जो स्लो मूविंग रिवर होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स फ्लो करते हैं जैसे इंदस, और बहुत सा उस ग्लेशियर से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। इन सब से जो रिवर फ्लो करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर फ्लो करती है, यमुनोत्री से यमुना रिवर फ्लो करती है। इन सब रिवर को जो है पेरिनियल रिवर भी कहा जाता है। सीजनल और पेरिनियल रिवर होता है। पेरिनियल रिवर मतलब जिनका वाटर जो है, जिस रिवर का वाटर पूरे साल मतलब कभी कम नहीं होता, इनका वाटर जो है सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और सीजनल रिवर मतलब जिनका वाटर जो है सीजन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब बारिश है तो बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और जो मतलब ही जिनका स्रोत जो है जो ग्लेशियर से मतलब जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनको हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं। जैसे गंगा है, इंदस है, यमुना है, सतलज, इन सबको पेरिनियल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है।